बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन। आज मंगल 21 मई और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मई के बकिया दिनों में और जून के आगाज़ में मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, मौजूदा गर्मी की शदीद और लंबी ख़तरनाक लहरें कब तक जारी रहेंगी और प्री मानसून बारिशें कब से शुरू होने का इम्कान है, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसम सूरत हाल के मुताबिक गर्मी की जिस शदीद और ख़तरनाक लहर का पिछले कई रोज से जिक्र जारी था वो अब शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में रोजाना की बुनियाद पर दर्ज हरारत और गर्मी की शिदत में इजाफा होता रहेगा। मंगल 21 मई से 31 मई तक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के ज्यादातर इलाके लंबी और खतरनाक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। दिन के दौरान गर्म लू चलेगी, मौसम मुकम्मल तौर पर खुश्क रहने का इम्कान, जबकि बादल भी इंतहाई कम देखने को मिलेंगे और इस दौरान बहुत सारे इलाकों के दर्ज हरारत 48 से 50 और बाद इलाकों के 50 से 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। इसलिए किसान शहरी मोहतात रहें और गैर जरूरी धूप में भी बाहर ना निकलें। प्री मानसून बारिशों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान और इससे मुल्हिका भारत के इलाकों पर भी एक HP यानी हाई प्रेशर जोन बन चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मई के आखिर में भी प्री मानसून बारिशों के इम्कान इंतहाई कम। यह खतरनाक गर्मी की लहर जून के शुरू में भी जारी रह सकती है। तहम नाज़रीन, एक बात नोट फरमा लें कि गर्मी की ये शदीद लहर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में मुल्क भर में मामूल से ज्यादा मानसून बारिशों का जरूर बाइस बनेगी, जबकि मौजूदा मौसमी सूरतहाल के मुताबिक इंशाल्लाह जून के पहले 10 दिनों में पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशें शुरू होने के भी अच्छे इम्कान हैं। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कॉमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।